पिछली दो वीडियोस में पटिच्च समुपाद के बारे में बताया गया है, जो उसके शब्द सार आ रहे हैं। मगर स्वयं पटिच्च समुपाद का जो शब्द का अर्थ है वो भी बड़ा कमाल का और बड़ा गजब का है। जो पटिच्च समुपाद जो शब्द है, इसमें पटी और अच्च दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, और सम और उत्पाद यानी चार शब्द टोटल हैं इसमें, पटी अच्च सम और उत्पाद। इसको अगर हम संस्कृत भाषा में या बाद की भाषा में कहें तो यह है प्रत्यय समुत्पाद, यानी प्रति उत्पन्न सम उत्पाद। ये अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल साउंड आवाज देते हैं, जो पूरा पूरा थीसिस, जो पूरा पूरा जो आइडियोलॉजी है, जो पूरा पूरा एक तरह से टेक्निक है, जो पूरा ज्ञान है, जो नेचर की सबसे बड़ी खोज थी जो बुद्ध ने की, ये शब्द पूरा पूरा उसको बताता है। पाली में इसको पटिच्च समुपाद कहते हैं। पटी माने होता है प्रति, अच्च माने जो होता है वो होता है, इसको आप ऐसे समझे जैसे अच्चाइक होता है। अच्चाइक जो शब्द है, अच्चाइक अच्छ से बना है। अच्चाइक माने होता है इमीडिएट, यानी तुरंत होने वाला, मतलब कोई घटना घटी, जैसे कार का कोई एक्सीडेंट हुआ, कार एक आपस में टकराई, तो टकराते ही इमीडिएट क्या होगा कि वो टूट जाएगी, फूट जाएगी। लोगों के सर अगर बेल्ट नहीं बांधेंगे तो वो शीशे में टकरा जाएंगे, मर भी सकते हैं। गाड़ी में फूट जाएगी तो उसका जो लिक्विड वगैरह है वो निकल जाएगा, जितनी जोर की टक्कर हुई है। या अगर किसी जानवर ने, बड़े जानवर ने किसी छोटे जानवर को पकड़ लिया तो क्या होगा, तुरंत इमीडिएट वो उसको दबोच लेगा और वो दबाने की प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद में फिर उसका सम उत्पाद होगा, यानी कि अगला उसका परिणाम आएगा। सम का मतलब है बराबर, उत्पाद माने जो पैदा होता है, यानी कि इसका बहुत शाब्दिक और सीधा सा अर्थ है पटिच्च समुपाद, यानी कि प्रति जो तुरंत हुआ है, इमीडिएट होने वाला है, उसका सम माने बराबर और उत्पाद, यानी जो हो रहा है उसका अगला रिजल्ट, यानी जो हो रहा है उसका अगला जो परिणाम आने वाला है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल जेनेसिस। कॉजल जेनेसिस का मतलब है कि जो कॉज हुआ है, जो कारण हुआ है, उससे जो पैदा हुआ है, या इसको बोलते हैं कॉज एंड रिजल्ट, यानी कि जो कारण है उसके बाद जो रिजल्ट आता है, इसको कॉज एंड रिजल्ट भी बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि वो डिपेंडेंट रहता है एक दूसरे के ऊपर, जो कॉज है और उसके बाद में उसके इफेक्ट आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, ये उसका इंग्लिश में एक नाम भी है। ये जो आज की भाषा में, यानी इसको जो प्रत्यय समुत्पाद बोलते हैं, प्रत्यय समुत्पाद का मतलब है प्रति उत्पन्न, यानी कि अभी अभी कोई घटना घटी और उसके बाद जो तुरंत उत्पन्न हुआ, प्रति उत्पन्न हुआ, प्रति जवाब आया एक साथ ही, और सम उत्पाद और उसके बाद जो रिजल्ट आया, यानी जैसे आपने किसी को अभी अभी गाली दी तो प्रति उत्पन्न, यानी गाली दी तो वो गाली के बदले में कुछ ना कुछ करेगा सामने वाला व्यक्ति, उसको हम समुत्पाद बोलेंगे। वो समुत्पाद जब हमारे पास आएगा तो फिर ये प्रति उत्पन्न होगा, हम उसका कोई जवाब देंगे, हम जो जवाब देंगे वो उसके लिए फिर समुत्पाद होगा, यानी कि कारणवाद है, हेतुवाद बोलते हैं इसको, कि कारण जो होगा, हेतु माने कारण होता है, कॉज होता है, इसको हेतुवाद भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको कुछ कहा सामने वाले को, उसके प्रति उत्पन्न हुआ और उसने वहाँ कोई जो उत्पाद बना उसको उसने ग्रहण किया, फिर उसने मेरे को प्रति उत्पन्न किया, यानी कि कोई उसने कारण मुझे दिया और एक रिजल्ट आया, और ऐसे वाद विवाद लगाता, कारण उत्पादन, कारण उत्पादन, कारण उत्पादन, ये सारी की सारा प्रोसेस जो उन्होंने बताया, भगवान बुद्ध ने जो बताया और देखा, ये बेसिकली जीव की रचना और जीव कैसे पैदा होता है और कैसे मरता है, ये उसके संबंध में है। मगर ये पूरी दुनिया में लागू होता है, सारे मटेरियल पर लागू होता है, सारे मटेरियल जितने भी हैं वो सब तरंगों में चलते हैं, मटेरियल कोई भी ठोस नहीं है, इसलिए मटेरियल कारण बनता है और फिर उत्पाद बनता है, ये पूरी यूनिवर्स कारण और उत्पाद पर चलती है। इसलिए प्रत्यय समुत्पाद या पटिच समुत्पाद या कॉजल जेनेसिस जो सिस्टम है, ये सारी दुनिया के साइंटिस्ट इसको मानते हैं, और इसलिए प्रत्यय समुत्पाद का कहीं कोई तोड़ नहीं है। ये थ्योरी जब आई, इस थ्योरी के आने के बाद से लेके और आज तक लगभग 2600 साल हो गए हैं, इस थ्योरी से हाईएस्ट थ्योरी कोई नहीं अभी तक इस वर्ल्ड में आई है। इसलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो इसको जो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल वाइब्रेशन है उसको भी नोट किया और बताया था, तो अभी धम्म के अंदर वो सारी चीज़ दी हुई हैं और वो लोग स्टडी करके आज भी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाते हैं, रोबोट कंप्यूटर मोबाइल इसी से बनाए जाते हैं, इस पर लगातार निरंतर खोज होती रहती है, इसी को प्रत्यय समुत्पाद बोलते हैं, इसी को पठ्य समुत्पाद बोलते हैं। जब मैं इसकी कड़ियों, बारह इसकी कड़ियां हैं, बारह इसके वर्ग हैं, जब सारे शब्दों के अर्थ मैं बता दूंगा उसके बाद एक एक कड़ी करके हम इसको लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो प्रत्यय समुत्पाद जान जाते हैं वो पूरा धम्म जान जाते हैं। धन्यवाद।